तीसरी वीडियो के बाद मुझे एक ब्लैक मर्सिडीज वाले उठा के भी ले जा सके। तीसरी वीडियो जैसी बना रहे हैं। मैं इसने रास्ते में दुर्गति कर दी यार, वो पजामे वाले डाल गए। मम्मी छिपकली की चटनी लगा के पराठा खा रहा हूँ। घर पे रहने का यही फायदा है। मैं कब से नेटफ्लिक्स नहीं देखा था, कब से नेटफ्लिक्स का कोई भी चीज नहीं देखी थी कब से, लेकिन अब घर आए हैं तो अब करेंगे चिल आराम से शाम तक, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ, नाइव्स आउट देखनी थी मुझे, पता नहीं कब से। इसका पार्ट 2 भी आ गया शायद, इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आई, ये सेकंड ही है शायद ऊपर, ये रही फर्स्ट। पहले फर्स्ट तो देख लो भाई, पहले होशियार बनेगा भाई। इस पोजिशन में लेटा जाएगा, अपनी पुरानी दीवार दिखती रहेगी। फोन कर गई हूँ और बस आज शाम तक चोरी साहब को कोई छेड़ने का नहीं यार। 3 चाय चलेंगी घर में, वो भी मम्मी के हाथ की। गुड मॉर्निंग भाई और बहनों, आज की सुबह घर से हो रही है। आज तो घर की चाय पीने को मिली सुबह सुबह। चाय के टाइम पे व्लॉग क्यों नहीं करा भाई तूने? लेकिन इस टाइम हम कर रहे हैं वीडियो को एडिट, एंड उस तरफ शायद ढाका भी व्लॉग एडिट कर रहा होगा। तो घर पे आके भी हमारा नहीं रुकता है ब्रो, काम तो चलता ही रहता है। काम करते करते भी मम्मी ने मुझे यूँ कहा कि पैक होके रहो बिल्कुल, और ये कैप भी दे के गई थी वैसे तो ओढ़ने के लिए, बट ये सिर पे है तो ये कैप क्या दिक्कत है? ये टाइट है यार मेरे थोड़ी, ये मुझे लग रहा बच्चे वाली कैप दे दी मम्मी ने मुझे, तो ये थोड़ी सी टाइट आ रही है। वैसे सिर तो मेरा छोटा ही है, सिर तो लक्ष्य का ही बहुत बड़ा। हाँ, ये मेरे स्नैक्स रखे हैं कुछ, जो मैं काम करते हुए खाता रहता हूँ। मुझे डिस्टर्ब ना करें आप, बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें जब मैं काम कर रहा हूँ। आपसे मैं मिलता हूँ कुछ देर बाद। बैग टांग के आदमी ऐसा लगे जैसे अभी किसी का डिश टीवी फिक्स करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी अपना बैंक अकाउंट फिक्स करने जा रहा हूँ। हाँ, तो एज यूजुअल पीएनबी के बैंक अकाउंट में कोई ना कोई दिक्कत आती ही रहे और वो सॉल्व होती नहीं। फाइनली मैं सोच रहा कि ट्रांसफर करा दो अकाउंट, खैर छोड़ो। हाँ, तो जैसे कि परसों के ब्लॉग में बात हुई थी, ब्लॉग छोटा आएगा, लेकिन हमारे होते हुए ऐसा कैसा हो जाएगा? 12-13 मिनट से छोटा तो नहीं आने का। हेलो गाइस, घर पे मैं सुबह 10 बजे उठ गया था, क्योंकि घर वालों को मुझे ऐसे दिखाना है कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। जो व्लॉग्स में होता है वो सब सच नहीं होता। मैं आज भी बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन लड़का हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और अभी घर वालों के काम से ही बाहर जा रहा हूँ। गाइस यस, मैंने कल से जैकेट नहीं बदली क्योंकि घर आके मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। अब नहा लूंगा, लेकिन यार कोई टेंशन वाली बात नहीं है, छोटा सा काम निपटा के आया और फिर मैं नहाता हूँ। और मुझे आजकल ये गाना बड़ा अच्छा लग रहा, पता नहीं ये नया है कि पुराना है, बट हेलो गाइस, दिस इज लक्ष्य चौधरी रिपोर्टिंग फ्रॉम क्राइम सिटी मुजफ्फरनगर। तो शायद कहीं बाहर कोई क्राइम ना हो रहा हो। हाँ, हो रहा होगा कोई ना कोई, इस वक्त कहीं ना कहीं गोलियां मोलियां चल रही हो, किसी का अपहरण हो रहा है, चोरी चकारी होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अगर तुम सोच रहे हो वोट फॉर मिस्टर योगी आदित्यनाथ, वोट फॉर बीजेपी। पेमेंट आ गया ना? यस, ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस पर पीछे ज्यादा ध्यान मत दो। ये जो है दीदी की शादी की फोटो है, और दीदी की शादी को 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक मेरे घर वालों को एक परफेक्ट दीवार नहीं मिली जहाँ पे ये लगा दें। ऐसी ये बिखरी बिखरी फिर है, जबकि मैंने इनको बोला था कि ब्रो डिजिटल फोटो नाम की कोई चीज होती है, हार्ड डिस्क में ले लो, जब तुम्हारे घर में दीवार तुम्हें मिल जाए लगाने लायक तभी उसका प्रिंट आउट कराओ। इतना बड़ा तो इसको कर दिया उसने, अपना वाटरमार्क लगा दिया। त्यागी जी हैं हमारे, जिन्होंने वो काम करके दिया था। हर कोई लूट रहा है। तो आगे बात करते हैं, क्या बात करनी थी? हाँ, तो मैं अभी हर्ष के घर जा रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कि उसके चैनल का जो है अभी फिलहाल क्या पोजिशन है, क्या कर हम उसको लॉन्च कर पा रहे हैं। अभी तक भाई ने चैनल क्रिएट क्या जिक्र चल रहा भाई? मैं कह रहा अभी लक्ष्य कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े बड़े फार्मर हैं, उन पर काफी लैंड रहे हैं। उनपे मैं कहा स्कूल टाइम में गर्लफ्रेंड को लैंड बोल लग रहे थे हमारे यहाँ भाई, तो उसकी लैंड बनी। बहुत दिन कह रहा था ना देहरादून में, वो बोल रहे थे बंदी 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 भी नहीं बोल रहे थे। और एक चीज हो रहा देगा भी बताऊंगा। कितना सोचने के बाद मुझे याद आया, पता क्या बोल रहे हैं देहरादून में? उस दिन हम कह रहे थे ना बंदा बंदी तो बहुत जगह बोल रहे हैं, देहरादून में बोल रहे फंटू फंटू बोल रहे। और तेरी फंटू कहाँ है? मुझे याद आया कि यार कोई एक ऐसा शब्द था मेरे कॉलेज के टाइम में जो लोग बोल लग रहे थे। हाँ, फंटू बोल रहे हैं। देख कमेंट सेक्शन में बता देंगे लोग, जितने लोग गढ़वाली होंगे या देहरादून वाले होंगे ना, उन्हें पता होगा। गढ़वाली के कुमाऊनी बोलते होंगे, पर मैंने देखा कि पहाड़ की तरफ उधर बोल रहे हैं लोग फंटू। सबसे बढ़िया तो घरवाली और घरवाला, इससे बढ़िया नहीं पर बोल सकते तुम एक दूसरे को। खसम मेरा वाला, हाँ, मेरा खसम। मैं तो बस उससे ही ब्याह करूंगा जो कह रहे कि मेरा खसम। वो भी तो बोल रहे हैं मेरे, वो क्या बोल रहे हैं तेजी बोले, क्या बोल रहे हैं एजी स्पीड। मेरे वीर जी बताइए किसी तो भाई को क्या है एल्बम मेरे ठीक है आपके वीर जी। सबसे बड़े तो है गुन्नू के पापा। देख यहाँ कोई गुन्नू होगी ना वहाँ खुश हो जाएगी, उसके बुलती होगी। यार मैंने वो सोचा कि मैं अपने बच्चों का क्या नाम रखूंगा। देख अगर लड़की हुई तो उसका नाम तो रोजीलिन, लड़का हुआ तो कोई मोहित रख दूंगा साले का। लड़के का नाम लियोपार्ड रख, केनन अंडरटेकर रख दे। चले एक बच्चे ने पता तुझे क्या, हमारे जब मैं बहुत छोटा था ना, बिल्कुल जब पहले स्कूल में गया था, तो एक 4th-5th क्लास का लड़का था उस टाइम, जब लाइन में लगा करे थे ना, तो एक का नाम मैम ने लिया, मुझे बाद में पता लगा कि उस लड़के ने उसी साल नाम चेंज करवाया अपना, जिद करके घर वालों के सामने, शक्तिमान। पहला नाम ऋतिक था उसका। भैया बहुत सारी बुलिंग मुबारक हो। उस टाइम तो टफ बना गिरा था क्योंकि जब शक्तिमान आया गिरा था खुश रहता प्रेयर में। बसंत का पता तुझे एक बार जिद करने लगा था 10th में लास्ट टाइम रहना तुम नाम चेंज करवा सको लीगली, नहीं तो मेरा नाम हंटर रखवा दो। लेजिट बात है, उससे पूछ रही पूछो एक बार। अब पूछ लीजिए। अरे अभी बड़ेगा कौन हुआ, कभी वैसे मजाक में पूछिए उससे, उसके सामने हंटर बता के तो हो सके बिलीवेबल है बात तो। नहीं शायद उसका इंस्टाग्राम यूजर नेम हंटर ही था, अभी हंटर पहले था। हाँ पहले उसने हंटर रख रखा था यूजर नेम, फिर मिस्टर जाट वाट कर लिया वो तो, अब भी करा भी मैंने पता सबसे पहले यूजर नेम क्या रखा था अपना, जाट साहब। हर साहब ने मिला था जाट साहब HWB। अच्छा वो तो जब अकाउंट वेरीफाई हुआ ना तो हिस्ट्री गायब हो गई अकाउंट की, नहीं तो लिखा गया हिस्ट्री में, लिखा गया था नीचे। अब तो सिर्फ लक्ष्य चौधरी ऑफिशियल लिखा हुआ है वहाँ। अरे सब लिख रखा था मैंने भी, टाइटल वाइटल पता क्या लिख रखा था, मैं कूल बनने के लिए यार क्या करा था। ये वैसे मुझे अपने स्टैंड अप में बताना चाहिए पर मैं बता रहा, उसमें तो लिखा मैंने अपने बायो में तो लिखा ड्रीम एट टुमारोलैंड इंस्पिरेशन डैन बिल्जेरी। हाँ ये तो मुझे याद है, इसलिए लिख रखा था जिससे कि लोग सर्च करे तो उन्हें दिखेगी साला अंग्रेजों के बीच में उठ बैठ भाई की बड़ी जगह। अब जाऊँ बिना टुमारोलैंड का टिकट भी मिल जाए तब भी ना जाऊँ ना यार, अब तो बेकार सिंगर आ वहाँ, बेकार डीजे भी जान लगे वहाँ, अब उसका नाम खराब हो गया टुमारोलैंड की वो वाली हाइप, या तो हम उस एज से निकल गए। वैसे फेस्ट और होने लगे ना। हाँ भाई वो पूछना आया था मैं चैनल, हाँ तो मैं ये बात बता दे रहा कि चैनल बन गया और कल वीडियो लाइव होगी तो हम क्या करेंगे, एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे जैसे ही वीडियो लाइव होगी, कमेंट पिन कर देंगे, और मुझे हर्ष को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हर्ष को ही कर लो बेसिकली, हर्ष भी अपडेट डाल देगा जैसे ही चैनल पे वीडियो लाइव होगी ना तो वैसे ही अपडेट डाल देंगे। बस ये और कहता है हर्ष को पैसे भेज के अमीर कर दो, जम गया भाई। इन्होंने स्पॉन्सर करना बंद कर दे सब, यूं कह बहुत खराब है। देख एक सेकंड आंख बंद कर, आंख बंद कर, आंख बंद कर, उधर घूम, उधर को घूम, एक सेकंड घूम गया, उंगली आगे कर, आंख बंद ही रख भाई। हाँ। उंगली आगे रख। हाँ। रेडी है। हाँ। ओ भाई मुझे लगा नेल कटर है पर मगर इतना बड़ा कैसे खुल गया नेल कटर, वही हो खाली मेरे हाथ में लग गई थी एक बार, मेरे भी हाथ में आज स्टेपल हो गया एक बार, एक काम तो खुद ही करके देख रखा लगी हुई। हाँ और मैं क्या कह रहा यार, दूसरी वीडियो के लिए हल्का सा वो है, मैं मुझे हाइप अप पहली वीडियो के लिए खुद ही हाइप, पहले तो नर्वस है, दूसरे के लिए एक्साइटेड है, पहले के लिए तो मतलब बहुत सारी वीडियोस रेडी हैं। फर्स्ट वीडियो कल आएगी न्यू ईयर पे, सेकंड वीडियो कल संडे हो जाएगा ना, ये सैटरडे है कल संडे, कल संडे तो कल संडे को आ रही है दूसरी वीडियो, 4 या 5 तारीख को डाल देंगे, वो भी अपडेट मिल जाएगा ब्लॉग चैनल पे और इंस्टाग्राम पे। तीसरी वीडियो के बाद मुझे एक ब्लैक मर्सिडीज वाले उठा के भी ले जा सके, तीसरी वीडियो जैसी बना रहे हैं। हाँ वो खतरनाक है, तो वो खतरनाक है इनडायरेक्ट डिस, कई सारे यूट्यूबर्स को मार रखा, लेकिन वो जब डलेगी जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। इनडायरेक्ट डिस तो सेकंड वाली में भी है इन्फ्लुएंसर्स को। हाँ कह सको, मैं बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सीज में पढ़ने वाला, मेरा उक्का पानी गिरा देंगे सारे लोग, सारे वीडियो बनाने वाले। अत्ते क्यों चल रहा है भाई तू? अच्छा ये भी लगा दिया, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। नहीं अपनी इमेज सही पोर्ट्रे करना सोच रहा है क्योंकि अब इसके रिश्ते आने वाले है ना, तूने सोच रहा है कितना भला और भक्ति वाला लड़का है, भक्ति ही शक्ति है। अब तू प्रॉपर ब्याह वाला बन लिया, ऐसे मफलर लगाना। अरे ठंड हो रही मफलर लगाना क्या मतलब है, कैप कैप भी तो है, जेन्युइन लग रहा अब तो। सारी बस क्या पब्बो से ले रखा जेब में, वो तेरा चार्जर उठा के ले जा रहा हर्षो, पता है बता इसका क्या बता रखी है। अरे भाई को दिया कि गिफ्ट करा न्यू ईयर का, फर्स्ट चार्जर से चार्जर, लेकिन क्या बताया उठा के ले जा रहा। अरे तुझे पता है एक बात पता तुझे, अब तो अगले साल ही मिलेंगे। चलो फिर कहाँ चले यार, थोड़ी देर तो गली में देख घूमना बने, योग गली बुला रही, चलो थोड़ी देर वॉक करके फिर जाएंगे। क्या करेगा अभी घर जाके, एकदम जॉगिंग करेंगे अभी। घर वालों ने क्या दिया हमारे, हमें देख हमारे साथ घूम, हमारे साथ टाइम फोड़, घर वालों ने यारी बनाई हमारी। लगा दे यार स्कूटी साइड में, एकदम ही लेके भाग गए क्या। चलो सर्दी हो रही, वो नहीं लाए तुम अपना सिग्नेचर मूंगफली, कल लेके आऊंगा। मगर छोटे गाने पे एक चीज की कमी लगी जड्डों में, मूंगफली। ये पहले चोरी करके लाग रहा था मूंगफली, मतलब सामान लेने जाता ना उसके दुकानदार के, तो उसके पूरे डिब्बा रखा रहता मूंगफलियों का, उसमें से छोटी गाड़ लाग रहा था, या उससे यूं काग रहा था रूंगा दे दो 3 मूंगफली होगा। फिर मैंने इससे पूछा भाई हो क्या चीज हो, फिर इसने बताया रूंगा तो बहुत लिया यार बचपन में, इसने रास्ते में दुर्गति कर दी यार, वो पजामे वाले डाल गए दुनिया ना टैग मार गया, पजामी पहनने वाले लड़के पार्ट पजामी ही नहीं है। गाना अच्छा नहीं क्या वो, सुना तुमने? मैंने सुना नहीं, सही में गाना है क्या? हाँ गाना है वो, गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे मौसम्बी, लेकिन बने यार पहननी बने सर्दियों में, देख ऐसे डागा की तरह घूम के देख देख। इससे क्या पता लगे पैसा तो है पर कंजूस है लड़का, और इससे क्या पता लगे पैसा फेंक है वही तमाशा देखने के लिए। सर्दी मुझे लगती नहीं ज्यादा, थोड़ी वो फर निकल जाते होंगे रात को। फिर तो तुम अपने आप को ब्रीड बताया करो, परिवार ना कहा करो उनको, हमारे तो वो ब्रीड है, अडैप्ट कर लिया। जैसे सांप के पैर खत्म हो गए थे ना, अगर मैं चलता नहीं 2 दिन तो मैं रेंगने लगूँ। तो तेरे बच्चे तो नंगे पैर ही घूम करेंगे। ले लेगा भाई मूंगफली कितने के लिए ऑन डिमांड? मैं तो चाहिए दुआन हो पापा जी, खोलो जल्दी जल्दी, खोलो जल्दी, खोलो भाई पैकेट मूंगफली का यार। देख कर दिया एक पन्नी का नाश, तेरी वजह से एनवायरनमेंट खराब हो रहा। अब ये पन्नी फेंक कर गए धरती में, पता मिलियन ऑफ ईयर्स तक डिकम्पोज नहीं होने की। यही परेशानी तेरे जैसे लड़कों की। हाँ भाई नान खटाई, मैं सोचू था पहले कोई खटाई होती होगी नान खटाई, तो इसका नाम खटाई क्यों है पता नहीं। एवरी नॉन खटाई स्वीट शॉप पे इतनी अट्रैक्टिव चीजें रखी हैं, ऐसा मन करे सब कुछ खा लो। हाँ सब कुछ खा गए रहने यार, मैं भी इतना वेट नहीं हूँ। देखिए सीड 1000 रुपए की, 1000 रुपए किलो ही होगी। ये तो वैलेंटाइन डे पे देने की चीज है किसी को, मेरे हेल्थ बनाओ। ये वो है ना मालपुआ, वे 1 किलो पैक कर देना है। 1 किलो गाजर का हलवा तुम्हारा भी करवा दूंगा आज, घर पे कुछ मिठा बनवा दो यार। मम्मी ने बनाया है नहीं, मम्मी काम चोर होती जा रही है। मम्मी ने तो बनाया, घर पे बनाया और देना भूल गया मैं सबको यार। कोई नहीं भाई, हम कैसे मान ले कि बना। फिर ड्राई चेरी का टेस्ट मीठा हो गया, खट्टा खट्टा मीठा दोनों होता है भैया, खा लीजिए टेस्ट कर लीजिए। अरे देख फ्री में लेने की टेक्टिक है, एक खा के देखेगा फ्री में। ऑफर करी तो बिल्कुल नहीं, खा के देखा मस्त चीज है भाई। कुछ नहीं हुआ गाइस, घर आकर भी रात में जागूंगा और दिन में सोया हूँ। मेरा रूटीन क्या करूँ मैं इसका। और इस टाइम साग और रोटी खाई जा रही। मम्मी ये साग में थोड़ा सा घी है या घी में थोड़ा सा साग है? इतना सारा तो घी तैरने लग रहा है और इसमें थोड़ा सा साग लग रहा है मुझे। घर आते ही क्या हो जाऊं। मम्मी पापा चलो अब तो अगले साल मिलेंगे। ओके बेटा। यार मैं आज फिर ज्यादा सो गया, मम्मी क्यों नहीं उठाया मुझे यार? मैंने तो उठाया था, तुम उठाई नहीं। मैं शाम में क्यों सो जाता हूँ, मैं यही रूटीन सही करने आया हुआ यहाँ पे बस। मैं कल से तुम्हें ठंडा पानी डाल के उठा दूँगी। इज्जत दे रही है मम्मी कैमरे के सामने बहुत ज्यादा मुझे। मम्मी छिपकली की चटनी लगा के पराठा खा रहा हूँ। अगर मम्मी मैं ऐसी रील बनाने लगूँ, ऐसी वीडियो बनाने लगूँ सारी। आपने देखा नहीं पुनीत सुपरस्टार? नहीं देखा? मम्मी देखा होगा आपने जरूर। आपको डांसर? अरे नहीं मम्मी है एक और, तुमने देखा होगा जरूर बट नाम नहीं पता तुम्हें। वो ऐसे ही करता रहे मम्मी